प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वर्चुअल माध्यम से की बातचीत। कहा, नई शिक्षा नीति में खेल को पढ़ाई के साथ दिया गया है संतुलित दर्जा। अफगानिस्तान से सकुशल स्वदेश लौटे कई भारतीय। भारत ने अपने नागरिकों को काबुल से निकाला, वायुसेना के विशेष विमान से जामनगर पहुंचे भारतीय। अफगानिस्तान में ताजा हालातों के बीच भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चिंताओं पर किया गया विचार विमर्श। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सरकार लगातार काबुल की स्थिति पर बनाए हुए है नजर। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों की स्वदेश वापसी में समन्वय के लिए की विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 55 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। कोविड स्वास्थ्य दर बढ़कर हुई 97.51%। देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड। बीते 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। केंद्र सरकार ने केरल राज्य को आपात कोविड सहायता पैकेज के तहत आवंटित किए 267 करोड़ 35 लाख रुपए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ की कोविड प्रबंधों की समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आसाम दौरे पर, पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड 19 के मामलों की करेंगे समीक्षा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान के हालातों पर नजर बनाए हुए है राष्ट्रीय सुरक्षा टीम। आतंकवाद बढ़ने पर तत्काल कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध। अब खबरें खेल जगत से। लॉर्ड्स में खेली जा रही 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से हराया।